हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आज है 7 अप्रैल 2022 और टाइम हो रहा है 9:35। अभी मैं घर से निकला हूँ। जिस दिन मैं घर चला जाता हूँ उस दिन 8-9 बजे से पहले निकल नहीं पाता हूँ, क्योंकि भतीजी को खिलाता रहता हूँ, फिर बातों में लग जाता हूँ। जब गाड़ी में रहता हूँ तो सुबह 5-6 बजे रेडी हो जाता हूँ, फ्रेश व्रेश होके और काम करने के लिए, लेकिन घर जाता हूँ तो टाइम हो ही जाता है। तो गाइस अभी आ गया हूँ मैं इंदिरापुरम, और इंदिरापुरम में ही खड़ा हूँ, इंदिरापुरम से ही स्टार्ट करता हूँ। आप देखते ही हो तो इंदिरापुरम आ चुका हूँ, देखते हैं कहाँ का पिकअप आएगा। जो भी पिकअप आएगा वो जल्दी अपडेट करेंगे। और अपना नाश्ता वास्ता मैंने ले लिया है, सामने रखा है मेरा पोहा जो मैं खाता हूँ, दिखाता हूँ पोहा। सो गाइस ये रखा है मेरा पोहा, तो अभी पोहा खाऊंगा और देखते हैं आज का पिकअप कहाँ का आएगा। जो भी आएगा आपको जल्दी अपडेट करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो, जिससे कि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट, गो। सो गाइस टाइम हो गया 12:20, मैं पहुंच गया हूँ कौसाम्बी। 11:59 पे इंदिरापुरम से ड्यूटी आई है पहली, वो भी ओवर में, जिसमें मेरी गाड़ी चली है 7.5 किलोमीटर गाड़ी चली, 13 मिनट का टाइम लगा है और पैसे मिले 154 रुपए मिले हैं। अब मैं पहुंच गया हूँ कौसाम्बी बस स्टैंड के बिल्कुल पास में। ये देखो सोसाइटी है ना कौसाम्बी के पास में, और इसे यहाँ से मुश्किल से 300 मीटर कौसाम्बी बस अड्डा है, कौसाम्बी मेट्रो स्टेशन बस अड्डा बिल्कुल आमने सामने है पैसिफिक मॉल, और गाड़ी अपनी इधर खड़ी है। तो 11:59 पे पहली ड्यूटी बजी है, ना ओला बज रही ना ओवर बज रही है, काम की हत्या पिटी हुई है बिल्कुल। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी काम नहीं आ रहा है, कहीं भी काम नहीं है, मतलब मार्केट में ही लग रहा है। देखो रोड वोड खाली खाली लग रहे हैं सारे, है ना, तो काम वाम का बहुत बड़ा मद्दा चल रहा है। मुझे लग रहा है आज भी मुश्किल से 1000 रुपए का काम हो पाएगा, और कल भी अच्छा नहीं हुआ था, कल तो आपने वीडियो देखा ही था। तो देखते हैं आज कितना काम होगा, जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे, हर मिनट हर सेकंड हर घंटे वीडियो में बने रहे लास्ट। सो गाइस टाइम हो गया 5:15, मैं पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट टर्मिनल T3 पे खड़ा हूँ। अभी अभी कस्टमर को ड्रॉप कराया, बुकिंग आया था इंदिरापुरम से, और इंदिरापुरम से लेके आया हूँ, जिसमें मेरी गाड़ी चली है 37 किलोमीटर, टाइम लगा है 59 मिनट 59 मिनट लगे हैं, पैसे मिले 617 रुपए, और 100 रुपए का टोल टैक्स जो मैं देके आया हूँ वो मिल गया, तो टोटल पैसे 717 रुपए मिले हैं। 100 रुपए तो मैं देके ही आया हूँ। सुबह से दूसरी बुकिंग है ये ओला में, ये पहली है, और एक उबर में आ रखी थी। इंदिरापुरम से गया था मैं कौसाम्बी, तो वो छोड़ के फिर इंदिरापुरम भी पहुंच गया। तो इंदिरापुरम से अभी बुकिंग बजी है 4 बजे समथिंग, 4:15 बजे बुकिंग बजी। अब आ गया हूँ T3, ये पूरा T3 का एरिया है। तो देखते हैं अभी पार्किंग में जाना है, कहाँ जाना है, जहाँ भी जाएंगे वो बताएंगे आपको जल्दी। और कोई अगला बुकिंग आएगा नहीं आएगा पता नहीं है, नहीं आएगा तो फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर पहाड़गंज चले जाएंगे। और बसंत कुंज तो नहीं जाऊंगा आज, को बसंत कुंज खड़ा ही रहता हूँ दोपहरी भर, तो आज वहां नहीं जाऊंगा, देखेंगे। T3 की पार्किंग में ही चला जा रहा हूँ, पार्किंग में कोई पिकअप आएगा तो जल्दी आपको अपडेट करेंगे, मिलते हैं कुछ देर के बाद। सो गाइस टाइम हो गया 9:05, मैं पहुंच गया हूँ नोएडा सेक्टर 151, सोसाइटी है पास में ही, जेपी ग्रीन्स करके, अमन जेपी ग्रीन्स है, यहाँ पे पहुंच गया हूँ। मेरी गाड़ी साइड में खड़ी है वो, और एयरपोर्ट पे खड़ा था मैं टर्मिनल 2 पे, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर रहा था, तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक ड्यूटी आ गया मुझे सेक्टर 151, और पिकअप था टर्मिनल 2 से ही था, लेकिन 15 मिनट के बाद में था। तो मैंने कहा 15 मिनट तो वेट कर ही लेता हूँ, ओला उबर तो बज नहीं रही है, टाइम भी करीब 1.5 से 2 घंटे मैंने वेट कर लिया था वहां पे, तो ड्यूटी बजी नहीं। फिर मैंने वही एक्सेप्ट कर ली, उनसे बात कर ली, ड्यूटी थी 2000 रुपए में, 51 किलोमीटर लग रहा था, और गाड़ी चली है मेरी 51 किलोमीटर, और टाइम लगा तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट लग गया, 1 घंटा 50 मिनट और 52 किलोमीटर गाड़ी चल गई, 51 या 52 किलोमीटर। तो अभी मैं आ गया हूँ जेपी ग्रीन सेक्टर 151 नोएडा, अभी यहीं पे खड़ा हूँ, देखता हूँ यहाँ से ड्यूटी कहाँ का बजेगा। और एयरपोर्ट पे मैंने आज करीब 2 घंटे बिताए वहाँ पे, 1.5-2 घंटे बिताए, तो काफी ड्राइवर भाइयों से बात हुई मेरी, जो डिजायर वाले बता रहे थे वो ही बता रहे थे कि हमारा 12-13 घंटे में तकरीबन काम हो जाता है 2000 से 2500 तक का, लेकिन रेट नहीं मिल रहा है, रेट नहीं मिल रहा, सीएनजी के रेट बहुत हाई फाई हो गए हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो टोटल अर्निंग हम लोग देखते हैं वो हमारी अर्निंग हो रही है 2500 रुपए तक की 13-14 घंटे में, जिससे कि सीएनजी पहले डिजायर में लगती थी 25%, अब वो 30-32% सीएनजी लगने लगी डिजायर गाड़ी में, और मेरी सीएनजी लगती थी तकरीबन 30-32% लगती थी, अभी वो 40% सीएनजी लग रही है, क्योंकि सीएनजी के रेट बहुत हाई फाई हो गए हैं। और भी मेरी काफी लोगों से बात हुई, वैगनआर वालों से बात हुई, वैगनआर वाले बता रहे थे हम 12-13 घंटे में 2100-2200 रुपए का काम कर लेते हैं, लेकिन उनकी भी वही प्रॉब्लम थी कि
कि वो सीएनजी जो बता रहे थे ना हमारी 20-25% लगती 25% तक लगती थी उनकी, लेकिन अभी सीएनजी के रेट इतने हाई फाई हो गए तो उनकी सीएनजी भी 30-32% लगने लगी। अब वैगनार वाला 32% सीएनजी लगा के क्या बचाएगा, और काम भी थोड़ा सा कम हो रहा है मार्केट के अंदर, तो इतना सारा काम नहीं है पहले की तरह। तो वैगनार वाले बता रहे थे वो कर लेते हैं काम तकरीबन 12-13 घंटे में 2100-2200 का हो जाता है, और डिजायर में वही तकरीबन पहुंच जाता है 2500 रुपए तक का, और आर्टिका मेरा काम हो जाए तो एक ड्यूटी मिल जाए तो अच्छी वाली हो जाती है, नहीं तो फिर नहीं। अब सुबह से मैंने केवल एक 154 रुपए की ड्यूटी मारी, एक 614 रुपए की है, और तीसरी ड्यूटी अगर ये नहीं मिलती, कोई छोटी ड्यूटी मिल जाती तो मेरा क्या काम होता, 1000 रुपए का नहीं बैठता। तो ये वाली ड्यूटी मेरी 2000 रुपए की थी, और जिसमें मैंने प्राइवेट ड्यूटी थी ना, ये कोई ओला उबर से नहीं थी, तो मैं 200 रुपए का तो टोल कटवा लिया वहीं पे। एयरपोर्ट का टोल भी महंगा हो गया, पहले था 150 रुपए का, अभी वो 200 का हो गया है, तो 200 रुपए का टोल कटवा लिया मैंने, 1800 रुपए मुझे बचा है। तो 1800 रुपए में मेरी गाड़ी चली है 51 या 52 किलोमीटर, टाइम लगा 1 घंटा 50 मिनट। अभी मैं नोएडा सेक्टर 151 आ गया हूँ, मैंने नाश्ता पानी कर लिया है, अगर रुकना पड़ गया तो यहीं रुक जाऊंगा, क्योंकि यहां से मैं घर जा रहा हूं तो घर मेरा 35 किलोमीटर दिखा रहा है, तो यहां से परिचौक निकल जाऊंगा, थोड़ी देर देख रहा हूं बज रही सही है, नहीं तो फिर मैं इधर निकल जाऊंगा गौर सिटी की तरफ, वो भी 18 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, 18-19 किलोमीटर ज्यादा ही पड़ेगा। तो गाइस आज का बस यही अपडेट है, काफी लोगों से बात हुई, ब्लॉक सारे ब्लॉक अभी छोटे छोटे आ रहे हैं क्योंकि कस्टमर दिन में 2-3 मिल रहे हैं। अब 3 कस्टमर में कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो वीडियो शूट करना परमिशन देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, कुछ लोग मैं करता नहीं हूँ क्योंकि कुछ लोगों की आदत ही मुझे अच्छी नहीं लगती है, जो मेरे को कस्टमर मतलब बढ़िया लगते हैं, बिहेवियर उनका ठीक होता है, उन्हीं को मैं अपने वीडियो में लेता हूँ। सो गाइस अभी 3 कस्टमर हुए हैं मेरे पूरे दिन में, तो किसके साथ वीडियो शूट करता, तो ब्लॉग मेरा 5-6 मिनट से ऊपर नहीं आ रहा है, वैसे मैं 10 से 12 मिनट का ब्लॉग बनाता हूँ, पूरा अपडेट देता हूँ। सो गाइस आज की फुल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, 1800 और 617 और 154 रुपए टोटल कैलकुलेट कर लेना, इतना ही काम हुआ है। सीएनजी मेरी अभी तक मैं बोलता था 30% सीएनजी का हिसाब लगाओ, अभी मेरी 40% सीएनजी लगाओ, क्योंकि दिल्ली की सीएनजी का प्राइस ही 70 रुपए हो गया, एक कम 70 रुपए। सीएनजी हाई फाई है, और मैं वीडियो देख रहा हूँ कि कोई स्ट्राइक होने वाली है दिल्ली में, तो स्ट्राइक में मैं भी शामिल हूंगा, मैं पता लगा रहा हूँ कहाँ पे स्ट्राइक है, शायद जंतर मंतर पे बता रहे हैं, तब वो लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे तो मैं भी गाड़ी नहीं चलाऊंगा, 1 दिन में 2 दिन में 5 दिन में जब तक स्ट्राइक रहेगी मैं भी स्ट्राइक में शामिल रहूंगा, क्योंकि जब कोई नहीं चलाएगा तो मैं भी नहीं चलाऊंगा, है ना, मैं भी उनका मतलब सहयोग दूंगा, क्योंकि रेट तो उनके बढ़ेंगे तो हमारे भी बढ़ेंगे। सो गाइस अभी टाइम बहुत हो गया है और 9:10 हो गए हैं। सो गाइस ये वाला वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो, जिससे कि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस लास्ट में यही बोलूंगा, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की ब्लॉग, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।